जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन स्कीम रिलीज कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप आएंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि आपका 28/1 से आपकी परीक्षाएँ प्रारंभ हो रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की संबंध में जो भी आपका परीक्षा स्कीम है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो स्कीम कब से एग्जाम्स है, कैसे पेपर है, कब पेपर है, आइए एक नज़र डाल लेते हैं और डाउनलोड कर देते हैं इस पीडीएफ को। पीडीएफ के डाउनलोड होने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि साफ तौर पे लिखा है, तब द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि कुलपति जी के आदेशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर 22/23 की विश्वविद्यालय परीक्षाएं संलग्न विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम से 28/1 से प्रारंभ होंगी, यानी कि 28 जनवरी से प्रारंभ होंगी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की 2023 की परीक्षाएं। अब यहां पे आपकी परीक्षा सूची भी यहां पे दी गई है। परीक्षा सूची में अगर आप देखेंगे बच्चों, यहां पे जो कुछ इस प्रकार से आपका परीक्षा कार्यक्रम आपके विश्वविद्यालय ने जारी किया है। 28 तारीख से आपका पहला पेपर और 28 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिक्स और कॉमर्स का पेपर है। तो जिन बच्चों का फिजिक्स और कॉमर्स है वो 28 तारीख को मॉर्निंग 10 बजे से पहले 9 बजे ही अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो हिंदी है इवनिंग शिफ्ट में, सब्जेक्ट्स आपका है हिंदी काव्य का पेपर होगा आपका इवनिंग शिफ्ट में, यानी कि 2 बजे से पेपर होगा। 28 के बाद से एक दिन का गैप दिया गया है क्योंकि बीच में संडे पड़ रहा है, तो संडे की छुट्टी अच्छे से तैयारी के लिए आपका जूलॉजी और कॉमर्स 2 सब्जेक्ट्स होगा। पेपर का नाम है आपका कुछ इस प्रकार और इवनिंग शिफ्ट में आपका इंग्लिश होगा। तो इस प्रकार से आपका परीक्षा कार्यक्रम, उसके बाद से आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद 31 तारीख को 3 पेपर, तो जो भी आपका विषय है उस हिसाब से चले जाइए। 31 तारीख को इवनिंग में भी 3 पेपर, उर्दू संस्कृत और सिंधी भाषा, तो जो भी आपका पेपर है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। 1 तारीख को फाइन आर्ट बॉटनी कॉमर्स फिलोसफी और इकोनॉमिक्स का पेपर है। वहीं 2 तारीख को होम साइंस और केमिस्ट्री। जहां तक मुझे एक मैसेज आया था तो एक बच्चे ने कहा था कि उनका होम साइंस और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स है, उनका ये कॉम्बिनेशन कैसे बना ये मेरी थोड़ी समझ से बाहर है, लेकिन वो कह रहे थे कि उनका दोनों यही सब्जेक्ट है तो वो कैसे ये पेपर देंगे। अब आप मुझे बताइए कि आपका सब्जेक्ट कहीं मैच तो नहीं हो रहा है। वास्तव में ये एक ही दिन पे ये 2 पेपर है, तो जैसा कि वो बता रहे थे कि उनका ये दोनों पेपर ही उनका इस बार के ग्रेजुएशन में है, तो ये उनके लिए थोड़ी सी समस्या है, वो एक बार अपने कॉलेज में जरूर बात कर लेंगे इससे संबंधित। 3 तारीख को बिना किसी गैप के हिस्ट्री का पेपर है, जैनलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोकेमिस्ट्री का। तो इस प्रकार से कुछ आपका परीक्षा कार्यक्रम रखा गया है बच्चों, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के ये परीक्षा कार्यक्रम है। तो कुछ इस प्रकार से जो अन्य विषय आपके रह गए उसका परीक्षा कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। अगर आपने नहीं अगर डाउनलोड किया है तो आप यहां से इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का यहां पे काम खत्म हो जाता है। यहां पे थर्ड सेमेस्टर का आपका एग्जामिनेशन स्कीम दिया गया है बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की। यहां भी 28 तारीख से पेपर स्टार्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट सेम टाइमिंग, हिंदी का पेपर है, हिंदी गद्य का पेपर है, और इवनिंग टाइम में सेकेंड मीटिंग में जो बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर की पेपर है जैसे फिजिक्स कॉमर्स, तो ये पेपर है। उसी प्रकार से एक दिन का गैप संडे को, फिर 30, 31, 1, 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार से आपका परीक्षा कार्यक्रम है बच्चों। और जो आपकी अंतिम परीक्षा है वो है 9 फरवरी की पेपर है, तो 9 फरवरी तक आपका यहाँ पे पेपर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये सूचना थी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, आपका एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर जारी कर दिया गया है बच्चों। दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम में एक चीज़ बड़ी अनोखी यहाँ पे देखने को मिली, आपका जो एक को करिकुलम सब्जेक्ट था जिसे हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन कहते हैं, उसका पेपर आपको 4 फरवरी को रखा गया है। तो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में केवल गर्ल्स के लिए रखा गया है, ऑब्जेक्टिव गर्ल्स जो देने जाएंगी वो मॉर्निंग शिफ्ट में जाएंगी, जबकि जो बॉयज़ हैं वो इवनिंग शिफ्ट में देने जाएंगे। और वो पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भोजन पोषक और स्वच्छता की जो आपका पेपर था एक को करिकुलम पेपर, तो 4 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में सभी बालिकाओं का, जबकि इवनिंग शिफ्ट में सभी बालकों का, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो बॉयज़ का इवनिंग शिफ्ट में और गर्ल्स का मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ से पेपर है, ठीक है बच्चों।
चलिए आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से पेपर होगा आपका, आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी और बहुत अच्छे से आप स्कोर करने वाले हैं एग्जाम में। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तैयारी कैसी हुई, आपका सब्जेक्ट क्या है, पेपर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जानकारी कैसी लगी मुझे इसका इंतजार रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से।